पंजाब सरकार वालों एक नीति तैयार की गई आ जिहड़े कॉलेज ने पंजाब दे एफिलेटेड जां होर जिहड़े निजी कॉलेज ने कि उन्हां कॉलेजां दे विच जिहड़े दाखले होणगे उन्हां दे लई एक सांझा जिहड़ा पोर्टल तैयार किया जाएगा जिस तों बाद जिहड़े विद्यार्थी ने वह उत्थे अप्लाई करनगे तां उस पोर्टल तों बाद डिसाइड होवेगा कि वह बच्चों नूं कित्थे दाखला दिता जाणा है जिसका बीते कई महीनों तो लगातार विरोध किया जा रहा है। तो अज उस विरोध में होर भी अंजाम देते हुए जिहड़े अध्यापक ने कॉलेजों के प्रिंसीपल्स ने जिहड़े निजी कॉलेजों के प्रबंधक ने उन्हां वल्लों सड़कां ते उतरन का फैसला किया है जिस दे चलदे अज अमृतसर दे विच वख-वख एसोसीएशनां वल्लों ये धरना दिता जा रहा है। सड़कां ते उतरे ने पंजाब सरकार के फैसले के खिलाफ कि जिस तरीके दे नाल पहला दाखले चलते सी उस तरीके दे नाल ही होने चाहिए ने। हालांकि ऑनलाइन दे वह विरोध दे विच नहीं हन पर जिस तरीके दे नाल सरकार वालों फैसला थोपिया जा रहा है एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है एक निजी कंपनी नूं दिता जा रहा है जिस तों बाद विद्यार्थियों के जिते खज्जल खुआरी वधेगी उत्थे ही जिहड़े कॉलेज ने जो कि पहला ही इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जिहड़े विद्यार्थी ने वो लगातार विदेशों का रुख कर रहे हैं तो जिहड़े कॉलेज ने उन्होंने पहला ही दाखले बहुत सीमित ने बहुत घट ने पर जिस तरीके दे नाल आम आदमी पार्टी की सरकार वालों ये फैसला किया गया है उस तो जिहड़े अध्यापक ने एसोसीएशन ने वो हैरान ते परेशान भी ने क्योंकि दाखले घट होने के कारण जिस तरीके दे माहौल बनया होया है पूरे पंजाब दे विच वो पहला ही चिंता का विषय है। पर पंजाब सरकार जिस तरीके ना एक पोर्टल तैयार करके सारे पंजाब नूं इस नवी समस्या दे विच पाउणा चाहुंदी है उस तों बचण दे लई जिहड़े अध्यापक एसोसीएशन ने उन्होंने एक सरकार दे खिलाफ मोर्चा खोल दिता है क्योंकि उन्होंने कहना है कि जिहड़े सरकार ने फैसला किया गया है उस फैसले का ता ही फायदा ही जेकर कॉलेज घट ते विद्यार्थियों की गिनती ज़्यादा होवे तां उत्थे कॉम्पीटिशन होवेगा तो विद्यार्थियों नूं जिहड़े पोर्टल दे राही उन्होंने जिहड़े पसंदीदा कॉलेज ने वह मुहैया करवाए जाण पर पंजाब दे विच इस वेले माहौल बिल्कुल ही अलग है वक्रा है क्योंकि पंजाब दे विच कॉलेजों की गिनती ज़्यादा तो विद्यार्थियों की गिनती बेहद घट है। होर कि मसलों नूं लैके अज ये धरना लगाया गया है की कुछ मंगा ने असं गलबात करांगे इन्हां प्रबंधकां दे नाल। अज असी खालसा कॉलेज के बाहर गेट के अगे सारे टीचर साढ़े प्रोफेसर साहबान सारे प्रिंसीपल साहबान सारे साढ़े मैनेजिंग कमेटी के मैंबर साढ़े प्रधान साहब सर सत्यजीत सिंह जीठिया असी इतने अज इतने धरने के उत्ते इकट्ठे होए हैं और पंजाब की जिहड़ी एक मैनेजमेंट फैडरेशन ने मैं वह प्रधान है बतौर खालसा कॉलेज ऑर्गनाइजिंग सैकटरी होने के नाते मैंने सारे पंजाब के 142 एडेड कॉलेजों का प्रेजिडेंट बनाया और उस तो बाद जो सरकार ने साड़ी कन्फर्मेशन शुरू हुई है तो असी एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है जिदे विच टीचर एसोसीएशन के प्रधान और तिने स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के प्रिंसिपल एसोसीएशन के प्रधान और जिहड़े अनएडेड कॉलेज ने उन्होंने प्रेजिडेंट और उन्होंने मैनेजमेंट उस सारू चारा असी जॉइंट एक्शन कमेटी बना के सरकार असी बार बार बेनती की है कि तुम साढ़े बहुत सारे टीचर के मसले ने बहुत सारे मैनेजमेंटा के मसले ने बहुत सारे प्रिंसिपल के मसले ने सानू तुसी उहदे वास्ते हियरिंग दिओ दी सुनवाई करो और जिहड़ा सेंट्रल पोर्टल एडमिशन का 2 साल तो मसला लटक रहा है किसी सरकार ने अगे हिम्मत नहीं की लेकिन इन्होंने हुण साडे नाल कई वायदे करके और मुकर के जो जलंधर की बाई इलैक्शन सी उहदे च भी साडे डेलीगेशन मिलिया चीफ मिनिस्टर नूं एजुकेशन मिनिस्टर नूं फाइनेंस मिनिस्टर नूं इन्होंने साडे नाल वायदा किया और भगवंत सिंह मान ने कहा कि मैं टीचर का बेटा हाँ मैं तुहाडे सारे मसले सुलझाऊंगा मैं तुहाडा कोई जाति नहीं होने दिंदा और पोर्टल एडमिशन नहीं होएगी तुसीं जाके अपने अपने कॉलेज एडमिशन करो तुहानूं कोई नहीं पुछेगा। असीं यह विश्वास करके कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर कह रहा है तो असीं अपनी रैली नूं उत्थों वापस लै लिया लेकिन अज हैरानी की गल है कि 1 महीने के बाद दोबारा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उही पोर्टल एडमिशन जिहड़ा बंबई की किसी कंपनी नाल इन्होंने लैन देन किया है उन्हों शुरू किया और सारे पंजाब के कॉलेज जिहड़े ने वो बड़े चिंता में ने पंजाब का बच्चा बाहर जा रहा है प्लस टू तो बाद कोई बच्चा इतने एडमिशन लैन तैयार नहीं है। हर कॉलेज के स्टाफ को प्रिंसिपल को फिक्र पिया है कि असी एडमिशन किवें करनी है पर मैनू समझ नहीं आती कि सेंट्रल पोर्टल एडमिशन उत्थे हुंदी है जिथे सीटा घट होन बच्चे ज़्यादा होन इतना उल्ट गल है कि सीटा हर कोर्स ज़्यादा ने और बच्चे घट ने प्लस टू तो बाद बच्चे एडमिशन नहीं लै रहे और ये सरकार जी है अननेसरली बच्चों यूथ को हरास कर रही है फैकल्टी को हरास कर रही है
और कल का सानू मजबूरन जोड़ा है वो बाईकाट सानू चाहते नहीं कि कोई इस तरह का असी एजुकेशनिस्ट हैं असी कोई इस तरह का काम करिए लेकिन मजबूरन सानू फैसला लेना पाया कि सानू तीन दिन वास्ते अपने कॉलेजों को बंद करना पाया और सारिया एडमिशन सेंटर बंद करना पाया पंजाब की तीन यूनिवर्सिटियां और मैं हैरानी है कि अज बच्चों उन्होंने खराब किया कि गवर्नमेंट कॉलेजों कि दूजियां इन्होंने अगे ला के तो कोशिश की है पेपर लैन की लेकिन बहुत सारे पंजाब के सेंटर पेपर नहीं हुए और बच्चों हरास कर रहे हैं। मैं पंजाब सरकार को कहना कि जागो और पंजाब को बचाओ और पंजाब के नौजवान यूथ को खराब ना करो प्रोफेसर जो टीचिंग कम्यूनिटी है उन्होंने परेशान ना करो जो 100 साल तो वह समा कॉलेज चल रहे हैं उन्होंने परेशान ना करो और ये मुख्यमंत्री चाहिए है कि जेडे जिन्हें स्टेक होल्डर ने उन्होंने बुला के उन्होंने गलबात कर और इस तरह का अननेसरली तुगलकाना फरमान जो जारी ना कर। प्रधान जी जो पंजाब से सरकार आनी सी उन्होंने वालों कहा गया जेडे नौजवान उन्होंने बाहर नहीं जान दिता जाएगा इतने नौकरियां मिलनगियां इतने पढ़ाई करेंगे जेडे गोरे आते आ पढ़ने इतने नौकरियां करेंगे तो अपना जोड़ा यूथ है बाहर जाता फिर मेरे वीर एक वायदा नहीं किया सारे झूठे वायदे करके पंजाब सरकार बनी आम आदमी पार्टी की एक साल हो गया एक भी वायदा पूरा नहीं कर सके और ये सारे पंजाबी अज तरासते पे ने देख रहे हैं कि इन्हें झूठ बोल के पंजाब का नौजवान बाहर जा रहा है पंजाब च कोई नवी इंडस्ट्री नहीं खुली पहली भी बाहर जा रही तो इन्हें नौकरी कितों देनी है। तो हम किन्ने दिन धरना साढ़ा लगातार 3 दिन रहेगा उस तो बाद फिर अभी होर अगे संघर्ष को तिखा करा पता नहीं किधर गल जाती है जो सरकार के अजे भी कान ना खुले तो सू होर संघर्ष तिखा करेंगे। पंजाब से जी एग्जामीनेशन जो है बच्चों के वो कैंसल कई यूनिवर्सिटियों में किए गए पर उत्तर ही जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की गल करी या होर समेत यूनिवर्सिटियां तो उन्होंने सेंटर नवे बना दिए गए हैं कि लगता है कि वो थोड़े नाल साथ नहीं दे रहे तो नज़रअंदाज कर रहे थोड़ी मंगा नहीं 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 साढ़े बड़ी बड़े धनवादी हैं कि जेडे गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर एसोसीएशन है उन्होंने कल ही कहता कि असी बिल्कुल कोई ड्यूटी नहीं देनी असी पूरा इन्होंने टीचर के नाल खड़े हाँ उन्होंने कल ही जवाब देता से सो अब जो उन्होंने सेंटर चलाए हैं जितने कितने इम्तिहान हो रहे हैं बगैर टीचर तो बगैर उस तरह हो रहे हैं कुछ नहीं हाल है धर्म भरम कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम ठीक है। थैंक यू। मैंने समझ आ रही है कि कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करनी चाहे जी सद के करे लेकिन जेड़े उस विच पे हुए ने उन्होंने डिस्कस करके बेहतरी वास्ते करे कॉलेज के जेडे साडे प्रेजिडेंट ने कॉलेज के जेडे सोसाइटी इन्हों की एसोसीएशन बनी है उन्होंने डिस्कस कर सू दस भी ये फायदा की है जे मैं कल कह दाँ भी मैं गवर्नमेंट डिसाइड करूँगी तुम आटा कि दुकान तो लेना है तुम कमीज कि दुकान तो लैनी है तुम पतलून कि लैनी है कम चलूगा मैनू ये दसन भी कि गवर्नमेंट की चीज़ चलाई की उन्होंने बसा ज़्यादा चंगिया ने प्राइवेट बसा नालों की गवर्नमेंट के स्कूल बैटर ने कॉलेज बैटर ने पैसा वो किन्ना देंदी है तो असी बिना सानू घट दते जे साडे रिजल्ट्स बैटर ने साडे हुण 5 कॉलेज A+ नैशनल एक्रेडिटेड असैसमेंट काउंसिल दे विच उन्होंने सानू A+ दिता है मेहनत की है जिस नाल के साडे कोल वो बच्चे आ जिहड़ा पढ़ना चाहते हैं तो वैसे या फीस के हिसाब नाल असी इन्हों बैटर लैबोरेटरीज बैटर लाइब्रेरीज बैटर प्रोफेसर बैटर प्रिंसीपल्स रखे ने तो गवर्नमेंट सानू कुछ पैसा दे के नकम्मा बंदा साढ़े को बच्चे भेज देंगे तो जेडे अमृतसर रहने वाले उन्होंने पा देंगे पटियाले का बंदा पा देंगे फिरोजपुर का बच्चा पा देंगे मोहाली कम चलूगा तुहानू कह दें तुसी अपनी रोज़ की जिहड़ी दुकानदारी चीज़ा लेने जाके चंडीगढ़ तो लो जिथे तुसी लेना चाहते हो जाओ जिथे तुहानू पसंद है उत्थे जाओ जिथे तुहानू चंगी एजुकेशन मिलती है उत्थे जाओ गवर्नमेंट भी तो इहदा मतलब ही नहीं है दूजे पासे कहिंदे ने असीं वधाउणी है एजुकेशन नूं इंप्रूव करना है ये इंप्रूव करना है कि खराब करना है सारा डिस्कस कर दसां तां सही भी किवें इंप्रूव होऊगी तां तां कोई अगे गल पाते तीसरी चीज़ यह है भी एजुकेशन नूं खत्म करन नाल पंजाब दा फ्यूचर ते कंट्री दा फ्यूचर खत्म करना है कल दे अज दे बच्चे जिहड़े पढ़े ने इन्होंने साडी स्टेट चलाउणी है इन्होंने साडे कंट्री चलाउणी है तो तुसीं एजुकेशन खत्म कर दोगे तो की मिलेगा यूपी विच प्रोफेसर्स दी 100% दिंदी है एड इत्थे 95% ओनली टाइम से दे रहे ये कहिंदे हुण 75% करनी है तो एजुकेशन नूं चक्कण डे ने कि ग्राउंड डे ने यूपी विच मैं साडे परिवार 3 कॉलेज चलाउंदा है उन्हें 100% ग्राउंड मिलती है इतने कहें भी असी बंदा रिटायर करे तो वो थान नहीं भरते
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਨਿਕੰਮੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਫਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੰਡਾ ਦਾਦਾ ਬਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਗੁੰਡੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 10-12-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਕਡੈਮਿਕ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਨਿਕੰਮੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝ ਆਉਣ ਸਾਨੂੰ, ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਮਿਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਏਡਡ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਪਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।